you're talking like you think you're wrong. हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक मोरियानी, यू वाचिंग ब्यूटीफुल द चैनल विवेक सुल्तानपुरी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़ी होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना किसी समझ तो गए होंगे ना। तो गाइस देख सकते हैं अभी इतना सुबह, मतलब कि इतना थोड़ा यहाँ पर धूप निकल गया है, फिर उसके बाद ये बच्चा ब्रश कर रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो अभी जो है गाइस फाइनली आ गया था खेत में, अभी स्कूल से आ गया मैं। तो अभी आज तो मुहर्रम था, मतलब कि छुट्टी था, लेकिन हमारा क्लास फिर भी ऑन था। तो यहाँ पर है हमारी मम्मी, तो यहाँ पर अभी मम्मी ने घास को यहाँ से निकाल लिया है लगभग, अभी थोड़ा और बचा है। तो यहाँ पर इस घास को, जो सेफ घास था, वो चारा के लिए हो जाएगा, अब ये भैंस खाएगी चारा। तो यहाँ पर हमारी मम्मी अभी यहाँ पर काम ही कर रही हैं। तो अब 10 बज गए भाई, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है यार यहाँ पर गाँव में हार्ड वर्क करो, उसके बाद अभी होगा कि नहीं होगा, फिर पानी बरसेगा या ज़्यादा बरस गया या फिर इसमें रोग लग गई, यानी इतना सारे प्रोसेस होता है एक किसान को झेलना पड़ता है। क्योंकि एक किसान, लगभग एक किसान का दर्द समझ सकता है यार, कि मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। फिर प्राकृतिक आपदा आ गया, फिर उसके बाद फिर सिंचाई करो नहीं हुआ पैदावार, फिर उसके बाद कीड़े खा गए, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया जो है किसान की रिस्पेक्ट किया। तो अभी जो है गाइस मैं फाइनली तैयार हो गया हूँ स्कूल के लिए। तो अभी बज रहे हैं 3:30, और आज था मुहर्रम था, तो मतलब आज है। तो आते वक्त चांदों में मैं दिखाऊंगा, क्योंकि चांदों में मनाया जाता है राइट, तो वहाँ पर मुस्लिम भाई सब हैं सब, उधर तब मनाया जाता है वहाँ पर मुहर्रम। तो आते वक्त मैं आपको दिखाऊँगा, अभी चल रहे हैं तुरंत तत्काल यार स्कूल। और यहाँ पर कुछ टेस्ट पेपर थे भाई बच्चों के, तो यहाँ पर इनको भी लेकर चलते हैं भाई। तो कुछ बच्चों का चेक नहीं हो पाया था ना कल, तो उसे में मिक्स हो गया था, तो आज उनका चेक कर दिए हैं। इस मम्मी भी चल रही हैं इधर साइड, तो इनको चलते हैं भैया छोड़ते हैं खेत में, और वैसे जाएंगे हम। और जो है गए इस मम्मी को यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो अब चलते हैं भैया हम स्कूल। तो अभी जो है गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज मैं दिखाने वाला था 7-8 वाले बच्चों को, कल 10th वाले दिखाया था ना, तो यहाँ पर है 7-8 वाले बच्चे। हाय बोलो भाई, जोर से बोलो, ये क्या ऐसे बोला जाए, जोर से बोलो हाय। तो इतने लोग अभी, आज क्योंकि था त्योहार, तो मतलब ज्यादा लोग अभी अटेंड नहीं कर पाए, कुछ बच्चे अटेंड किए हैं, इतने लोग एंकर्स वाले बच्चे, ठीक है। इसमें से ओम भैया जिन्हें आप देखेंगे 50 में से 50 पाए थे, अभी खड़े हो जाओ भैया, ओ भैया आप जैसे देखे ही थे। तो फाइनली आप चलते हैं भैया चांदा, मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ आज यहाँ पर चांदा में कितना ज्यादा क्राउड है। तो वो सारी चीजें आप हमारे साथ बने रहिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको एकदम बढ़िया बढ़िया चीज। जो है फाइनली गाइस ये भैया हमारे विनय भैया हैं, क्लास 12th में जब हम थे तो ये 13 में थे, मतलब हम जब 11th में थे तब ये भैया 12th में थे। तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं इनको भैया को, तो यहाँ पर फाइनली करवाने वाले हैं परेड स्कूल में, भैया के ऊपर अब लगभग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज पहले जब क्लास 12th में थे तो काफ़ी ज़्यादा परेड बहुत तगड़ा करवाए थे, मतलब कि एक बढ़िया वाला परेड, मैं आपको थोड़ा वीडियो डाल के भी दिखा दूंगा। यहाँ पर भाई साहब गाइस, अभी मैं आ गया था यहाँ पर फेस्टिवल में, मैंने आपको बताया है कि आज है मुहर्रम, जिसके लिए स्कूल में भी छुट्टी हुई थी। तो यहाँ पर बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पर बजाया जा रहा है ये ढोल, तो आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ।
dance and start and fight. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. फाइनली गए हैं हमारे अमन भैया, तो आप ये 17 तारीख को जाएंगे इलाहाबाद ना, इलाहाबाद जाएंगे भैया नेट की तैयारी करने के लिए, तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। तो अभी इनका इनके दुकान पर गए थे यहाँ पर, ठीक है भैया, इनके साथ आज देखे तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, अंदर प्रसन्नता, एक अपनापन होता है ना जी, वो वाला महसूस है। और ये भाई है, इनका ये दुकान है जिनको अभी जो चीज़ अभी मैंने दिखाया रक्षाबंधन वाला चीज़, तो अब आ रहा है, तो ये भैया भाई सब पूरा बेच रहे हैं, तो चलते हैं अब घर। तो जैसा कि आपने गाइस देखा कि आज का वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया था मेरे लिए भी, आपके लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला होगा इस वीडियो में, इस ब्लॉग में, यानी कि आज मैं थोड़ा सा अपने मतलब कि जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको भी दिखाया था, पूरे लोग आए नहीं थे क्योंकि आज था अभी फेस्टिवल, तो इसलिए सारे लोग नहीं आ पाए। किसी दिन मैं आपको सारे लोग को दिखाऊंगा, यानी कि कल या परसों मैं आपको सारे लोग को दिखाऊंगा। आई होप गाइस मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहते सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।